बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज इंशाल्लाह हम टारगेट शूटिंग करेंगे। कुछ हमारे पास बलून्स हैं, डिफरेंट कलर के हैं और स्माल साइज, ठीक है। और साथ में हमारे पास हैं कुछ लाइटर्स हैं, तो इंशाल्लाह उनके डिफरेंट डिस्टेंस या मैं और खुबैब इंशाल्लाह इसकी टारगेट शूटिंग करेंगे। तो ये बलून्स हैं हमारे पास, इंशाल्लाह हम इनको 5-6 को लगा के फिर उधर लगाते हैं, तो फिर इंशाल्लाह इसकी ना कुछ शॉट्स लेते हैं और आप लोगों को ज़रा थोड़ा सा जो है इसका दिखाते हैं। बैम यार, कौन सी गुलेल चला रहे हो? इसको भी साथ ऐड करना, मतलब ये पहले तुमने ऐसे लगा दी ना इसको। और यार इतना डिस्टेंस नहीं करना, थोड़ा सा करो, मतलब साथ साथ ही हो सकते तकरीबन साथ हो ना सारे। इतना यार इतना दूर अभी भी डिस्टेंस है ना थोड़ा, मतलब इसको मज़ीद क्लोज करो ना, क्लोज कर इसे। हाँ ऐसे नहीं करते यार। अच्छा चल ठीक है, जल्दी जल्दी लगा है। तो आज हमारे पास जो स्लिंग शॉट्स हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। जो आज ये वाली हमारे पास है, ये वाली प्रोडक्ट है, ठीक है। और इंशाल्लाह इसके साथ हमारे पास स्टील बॉल्स हैं 6 mm की। ये हमने प्रिसाइज़ का रबड़ बैंड लगाया हुआ है, ठीक है, 0.4 mm का। तो इंशाल्लाह इसको हम आज शॉर्ट्स लगाएंगे इसके साथ। अच्छा तो ये मैंने बलून्स जो है ना इसके साथ अटैच कर लिए हैं, तो इंशाल्लाह अभी मैं इनको किसी जगह पे हैंग करता हूँ, तो इंशाल्लाह फिर इसके साथ इंशाल्लाह मैं इसको शॉर्ट्स लगा दूँ। अच्छा तो मेरे पास अभी सामने जो ना टारगेट नज़र आ रहा है आप लोगों को, ठीक है, तो इस टारगेट पर मैंने शॉर्ट्स लगाने हैं। तो ये मेजरमेंट रबड़ की मेरी तो नहीं है, बैरल किसी की है, तो मैं ट्राई करता हूँ आज, ठीक है इंशाल्लाह। हाँ रेफरेंस ऊपर गया थोड़ा सा, नया रबड़ इसलिए मैंने पहले निशाना लगाया, तो निशाना थोड़ा सा ऊपर गया। अब निशाना इंशाल्लाह मिस नहीं होगा, इंशाल्लाह कोई भी। तीन चार सामने आ जाओ, इधर आओ ना सामने। मेरी दफा नीचे हो गया था। बीच में से गुजर गया, हाँ लगा तो है, बीच में से गुजर गया। दो फटे हैं इस वजह से। ये तो मेरा ही होगा, जो मर्जी कर ले। लगेगा नहीं, चलना नहीं लगेगा, ट्राई कर ले जिस 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 किस्मत चलता है। मेरा लास्ट जो है ना खुबैब ने ट्राई किया है, खुबैब के पास अभी 3 लाइटर हैं, ठीक है, एक दो और ये तीसरा बांधने लगा है। अच्छा जी, पहले इसने जो है ना मुझे दिया है, वो पहले मेरे पास 2 निशाने लगाने के लिए मैंने टारगेट लिया था, लेकिन मेरे ना निशाने मिस हुए हैं उसमें, ठीक है। तो अभी ये कह रहा है कि भाई आपके पास आपसे निशाना नहीं लग रहा, तो अभी ये 3 लाइटर इसने जो है ना 10 yard से टारगेट करने हैं, 10 yard पे कह रहा है कि भाई मैंने तीनों कंजेक्टिव शॉट लगाने, मतलब कि इसमें मैंने मिसिंग नहीं करनी। तो आइए देखते हैं कि इंशाल्लाह जो खुबैब साहब हैं ये 3 टारगेट से जो है ना अपनी कंजेक्टिवली लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। एक बांध दिया, अभी इसने जो है ना दूसरा बांधने लगा, फिर इंशाल्लाह तीसरा जब बांधता है तो फिर इसका 10 yard से इसका मैं यार्ड्स इसके चेक करूंगा, फिर ये शॉट लगाएगा इंशाल्लाह। अभी ये टारगेट्स लगे हुए हैं, ठीक है। अभी ये खुबैब ने 10 yard जो है ना, मतलब कि एक एक गज का जो है ना ये अभी स्टेप लेगा, तो स्टार्ट करो, 10 पूरे करो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अभी 10 yard पे हो गया, खुबैब खड़ा हो गया, ठीक है। तो अब मैं इसको चेक करता हूँ कि खुबैब जो है ना 10 yard पे उन टारगेट्स अपने लाइटर्स को
हिट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। चलो जी इसके इम्तिहान का इसका टाइम शुरू हो गया। आए हाय हाय पहला तो लग गया पहला लग गया। तो इम्तिहान जो है ना अभी हुबैब का मुश्किल है, तो अब चेक करते हैं जी हुबैब क्या करता है। ये भी टारगेट लग गया लेकिन वो फटा नहीं है, मतलब कि अपनी अभी ये बात पे कायम है अभी तक। लाइटर बड़ी तेज़ी से हिल रहे हैं, हवा बहुत तेज़ है, तो हवा तेज़ है ना, हवा तेज़ है। देखा मैंने कहा था ना कि भाई नहीं लगा पाओगे। फिर से मिस हो गई ना मिस गोली। तो अभी ये एक कर रहा है ट्राई, अभी देखते हैं जी। मिस हो गया फिर से, दो टारगेट्स लगे इसके कंसेक्टिव लगे हैं, दो शॉट्स लगे हैं, लेकिन अभी तीसरा जो है ना लगने से जो है ना अभी नहीं मिल सकता। लाओ मुझे दो, मैं ट्राई करता हूँ, मुझे दो। अब तुम्हारी बारी ख़त्म हो गई है इसके जो है ना अभी इससे तो शॉट लगा नहीं है, बहरहाल मैं ट्राई करता हूँ। ठीक है, अब जो अभी जो दो आएंगे ना मेरे टारगेट शॉट्स, इंशाल्लाह उस पर मेरा इंशाल्लाह लग जाएगा, इंशाल्लाह दोनों पे इंशाल्लाह। एक लग गया तो अभी एक बाकी रह गया। दोनों लग गए इसको, मैंने अब मैंने कहा था ना कि दोनों लग गए पहले, क्योंकि ये तुम्हारे असल में ये खुबैब की जो है ना रेफरेंस की रबड़ की जो है ना मेजरमेंट है, तो मैं इसका जो रेफरेंस था वो थोड़ा सा ऊपर बना, मैंने दोनों नीचे रख के लगाए तो लग गए शॉट। जब भी कभी मिसिंग होती है, मेरे ध्यान से बात सुनो, जब भी कभी मिसिंग होती है तो जब आपका रेफरेंस पॉइंट अगर आपने जिस जगह पे भी लगाना अगर उस पॉइंट से दाएं बाएं ऊपर नीचे जाए ना, तो आप ग्लेल को उसके मुखालिफ सिमत में दाएं बाएं ऊपर नीचे कर दें। जैसे कि अभी मैंने पहला शॉट लगाया मिस हो गया, वो ऊपर से गुजरा है, तो मैंने रेफरेंस फिर दोनों रख के नीचे से लिए, दोनों टारगेट जो है ना मेरे ऑन दी स्पॉट सीधे लगे 90 मतलब 180 डिग्री पे। तो इस बात का आपने ख्याल रखना, सही है। ठीक है जी, आप वीडियो का हम इख्तिताम करते हैं, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब लाइक और वीडियो लाइक कर दें, शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है, और प्रैक्टिस करते रहिए इंशाल्लाह। सीज़न जस्ट अभी आने वाला है, ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलेंगे फिर इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।